अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीर मक्सी। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड ओवर देयर। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की सारी वीडियो मैं वन गो में रिकॉर्ड करूंगा विदाउट एनी एडिटिंग, डायरेक्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मेरे पास बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं है। एग्जाम्स ऑनलाइन चल रहे हैं इसलिए सारी वीडियो घर पर बैठ कर रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, मैं बाहर भी नहीं जा रहा। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि पिछले दिनों मेरे साथ एक बुरा वाकया पेश आया, मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। हो सकता है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, अल्लाह माफ करे आपके किसी दोस्त अहबाब के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आता है तो आपको ये बातें मेरी शायद जहन में रह जाएं और आपके किसी काम आ जाएं। तो हुआ यूं कि पिछले दिनों मेरे दोस्त की शादी थी हैदराबाद संडे को। एक्चुअली मैं कराची से निकला, काफी एक्साइटेड था शादी अटेंड करने के लिए। शादी का टाइम जो था वो 12 से 1 था, मैं तकरीबन 10 बजे निकला। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे का हैदराबाद का सफ़र है, कराची से हैदराबाद का सफ़र, तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन वही होती है ना, बंदे को एक होती है और खुदा को दूसरी, तुम्हें पता नहीं होता कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं काफ़ी खुशी खुशी निकला घर से, नॉर्मल जैसे व्लॉग भी करता हूँ। हो सकता है कि वो जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे वो आगे किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं घर से निकला, अकेला था, बिल्कुल अकेला था। गाड़ी में गाड़ी निकाली मैंने, मैं जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सफ़र चल रहा था। हैदराबाद में पहुंचने ही वाला था, हैदराबाद का जो टोल प्लाजा है उसके गेट से चंद मीटर पीछे मेरी गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई, बंद हो गई। सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया, एक तो अकेला था, अकेला बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, और मेरे साथ थोड़ी मेरी बुरी आदत और भी है कि मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं काफ़ी परेशान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं काफ़ी परेशान हो गया, मैं सोच रहा था क्या करूँ अब मैं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता, रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी बंद हो गई है। मैंने गूगल किया मोटरवे पुलिस का नंबर, मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की, 130 जो उनका नंबर है, 130 पर मैंने कॉल की। वहाँ पर लेडी ऑपरेटर थी, काफ़ी प्रोफेशनल लग रही थी वो, उनको बिल्कुल अच्छे से ट्रेन किया हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप परेशान ना हो, आपके साथ फैमिली तो नहीं है, अगर फैमिली है तो आप लोग गाड़ी से उतरकर साइड पर हो जाएं, आप लोगों की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब होकर बंद हो गई और मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ। उन्होंने कहा सर आप परेशान ना हो, अपनी लोकेशन और डिटेल्स भेजें, थोड़ी ही देर में आपके पास जो मोटरवे पुलिस का कोई ऑफिसर आपके पास आ जाएगा और वो आपकी रहनुमाई करेगा। मैंने अपनी डिटेल्स भेज दी उनको, सॉरी बता दी उनको। थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर अंदर ही मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी आ गई, उसके अंदर एक ऑफिसर थे और उनके असिस्टेंट थे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। नॉर्मली ये होता है कि हमें हमारे जहन के अंदर ये बैठा होता है कि जो पुलिस होती है ना वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती, और अगर आपकी हेल्प करेगी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी। समझ रहे हैं वो आप कि वो क्या एक्सपेक्ट करेगी। तो पुलिस आए, वो नॉर्मल पुलिस अफसर आ गए और वो काफ़ी काइंड थे। आते ही उन्होंने मुझे कहा कि सर आप आराम से गाड़ी में बैठें, आराम से सुकून से गाड़ी में बैठे, हम लोग खुद ही चेक कर रहे हैं गाड़ी को। उन्होंने गाड़ी का बोनट खुलवाया, उनसे मैंने बोनट खोला, उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी का जो जनरेटर है ना वो डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। जनरेटर ख़राब होने की वजह से, अब जिन लोगों को नहीं पता कि जनरेटर का काम क्या होता है, एक्चुअली जनरेटर का काम होता है कि आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना और आपकी बैटरी को चार्ज करना। तो जनरेटर काम नहीं कर रहा था तो मेरी बैटरी भी ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल डेड हो चुकी थी, तो गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। उन्होंने कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। तो जो अफसर थे उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को टो करवा देते हैं और आप हैदराबाद तक चले जाएं, वहां जाकर आप अपनी गाड़ी को बनवा लें। उन्होंने एक ट्रक वाले को रोका और उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये मुसाफिर हैं, परेशान हो रहे हैं, आप इनको टो करवा के आगे तक ले जाएं, या आपको जो भी बनेगा आपका आपके जो भी चार्जेस बनेंगे वो आपको दे देंगे और आप इनको हैदराबाद तक ले जाएं, ये वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी बनवा देंगे। ट्रक वाले मतलब, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी हेल्प करना ही नहीं चाहते। वो लोग मतलब ट्रक वाले के बस में था मेरी हेल्प करना लेकिन वो विलिंग नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने मेरी गाड़ी टो करवाई उसको रिक्वेस्ट करके। अब पुलिस की रिक्वेस्ट जैसी होती है वो आप लोगों को पता ही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे तो ट्रक ड्राइवर मान गया, गाड़ी को टो किया। थोड़ा ही आगे चलकर गाड़ी की जो टो की हुई रस्सी थी वो टूट गई, रस्सी टूट गई, मेरी गाड़ी बीच रोड पर चल रही है और अचानक से वो ट्रक वाले को काफ़ी इशारे किए लेकिन वो भाई चला गया। मैं परेशान बिल्कुल दुआएं मांग रहा हूँ, रोड के बीचों बीच पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं तेज। जैसे तैसे करके मैंने गाड़ी को साइड पर लगाया, अब मैं अकेला बंदा गाड़ी को धकेल भी नहीं पा रहा था, लेकिन स्लो स्लो करके आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगा के गाड़ी को साइड पर लगाया। वहीं पर 2-3 पंप मौजूद थे, पेट्रोल पंप, उन पर कुछ लोग थे जो कि वहाँ की लेबर मुझे लग रही थी, वो लेबर हैं लेकिन वो पंप बंद पड़े हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये सारी सूरत हाल है, मैं पिछले तकरीबन
1.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। अगर हो सके तो मेरी हेल्प कर दें, या किसी गाड़ी वाले का आपके पास नंबर है, कोई लोकल आपका जानने वाला है, तो उसे कहें कि मुझे टो करवा के आगे जाकर हैदराबाद तक। अब हैदराबाद सिर्फ 30-40 किलोमीटर ही रह गया था, वो मुझे वहां तक ले जाए और मैं आपको चार्जेस आपके पे कर दूंगा। अब यहाँ पर दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो आपकी हेल्प करते हैं और दूसरे जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मेरे साथ एक्चुअली दोनों चीजें हुई उसी वक्त, लेकिन फिर भी आई एम थैंकफुल टू देम के उन्होंने मेरी मदद की। वो अलग बात है कि उन्होंने मतलब कैसे मदद की। हुआ ये कि मैंने उनको कहा कि यार अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो टो करवा दे मुझे, या मुझे कोई बैटरी अगर आपके पास रखी हुई है तो वो मुझे दे दें, मैं आपको उसके बदले में पे कर दूंगा और मैं गाड़ी लेकर चले जाऊं, हैदराबाद तक पहुंच जाऊं, मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूं। अब यहाँ पर उन्होंने मेरी हेल्प तो की लेकिन मेरी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया। फ़ायदा यूँ उठाया कि जो बैटरी जिसकी कीमत काफ़ी कम थी, काफ़ी कम कीमत थी, वो मुझे ट्रिपल प्राइस में बैटरी दी, और वो भी एक सेकेंड हैंड बैटरी थी जो उनके पास रखी हुई थी, वो काफ़ी ख़राब उसकी हालत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी उस पर स्टार्ट हो गई मेरी और मैं जैसे तैसे करके हैदराबाद पहुंच गया। अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्ती की। मेरे कुछ दोस्त हैं हैदराबाद के अंदर। देखें, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं ना किसी भी शहर में, तो आप बहुत खुशनसीब हैं। मैंने रास्ते में उन दोस्तों को कॉल कर दी थी, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रहा था। वो लोग कह रहे थे कि यार अगर तुम कह रहे हो तो हम लोग आ जाते तुम्हारे पास, लेकिन सीन ये था कि अब हाईवे पर जाना, अभी यू टर्न करके वापस आना, जब तक वो भी आते तो काफ़ी देर हो जाती। मैंने कहा थोड़ी देर में देख लेता हूँ, अगर मेरी गाड़ी चल जाती है तो मैं आ जाता हूँ। तो मेरे दोस्त वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर, रेडी बैठे हुए थे हैदराबाद में। तो मैं जैसे ही पहुँचा, उन्होंने मुझे रिसीव किया, मेरी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए, गाड़ी मेरी बनवाई, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने 3-4 घंटे लग गए थे गाड़ी के काम में, तो वो 2-3 घंटे तक वो मेरे साथ रहे। मैं सुबह से जो जल्दी निकला था, घर संडे का दिन था, घर पे सब सो रहे थे, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह से, लेकिन मैंने पानी तक नहीं पिया था। फिर मैंने वहाँ हैदराबाद जाके सुकून से खाना वगैरह खाया। अनफॉर्चुनेटली मैं शादी तो अटेंड नहीं कर पाया, वो मुझे शायद हमेशा अफसोस रहे, शादी अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो थोड़ा अजीब वो गरीब सा रहा। मैं सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने सीखा वो ये सीखा कि मैंने सोचा 2-3 चीज़ें बंदे को करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो काम रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता। मैं इतना परेशान हो गया, जितना मैं ज़्यादा परेशान हो रहा था उतना मेरी मतलब टेंशन बढ़ी रही थी और कुछ हासिल उसूल तो था नहीं। दूसरी बात कि आप फौरन 130 पर कॉल करें, अगर आप नेशनल हाईवे मोटरवे पर चल रहे हैं तो आपकी वो फौरन रहनुमाई करते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल थे। अगर मैं दूसरी बार भी कॉल करता वो दूसरी बार भी आ जाते, लेकिन दूसरी बार मैंने कॉल नहीं की, मैंने लोकल लोगों से मदद मांगी। तो दूसरी बात यह है कि आप 130 पर कॉल करें। तीसरी बात यह है कि अगर आप घर से पहली बात तो अकेले निकले ना, अगर अकेले निकल रहे हैं तो अपने साथ ये जो रस्सी वगैरह इस तरह गाड़ी में रख लिया करें। मेरे पास रस्सी नहीं थी, कुछ गाड़ियाँ तो मिल रही थी टो करने के लिए, उनके पास रस्सी नहीं थी, तो वो बोल रहे थे यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो आपको टो करके लेकर कैसे जाएं हम। तीसरी बात ये। चौथी बात ये कि भाई आप जो सोच कर चलते हैं ना, वैसा ऐसे हादसा पेश हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और अगर आप लोगों को कोई दिखे ना रास्ते पर खड़ा हुआ तो उसकी हेल्प कर लिया करें। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाक्या पेश ना आए, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और ज़िंदगी इसी तरह चलती है, हम सोचते कुछ हैं वो कुछ जाता है। मैं काफ़ी खुशी खुशी निकला, एक्साइटेड निकला, लेकिन वहाँ जाके सारा सीन उल्टा पड़ गया। ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी मरहले आ जाते हैं जहाँ पर बंदा परेशान हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो कि बहुत बड़ी है, हो सकता है कि इसमें भी कोई अच्छाई हो। मैं 3-4 घंटे जो लेट हुआ, शायद कोई बुरी बला थी जो टल गई। और आई रियली थैंक टू असद हाशमी और हसन रजा आबदी जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, जो मेरे दोस्त हैं हैदराबाद में। और दूसरी बात यह कि भाई चैनल के सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, एक वीडियो अच्छे खासे व्यूज़ गेन कर चुकी है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। रीच चैनल की बढ़ गई है, इंप्रेशन ज़्यादा शो हो रहे हैं। सपोर्ट करते रहना चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट में अपनी राय दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे पेपर्स के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।